हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी अभी यूट्यूब की तरफ से तीन बड़े अपडेट निकल करके आ रहे हैं जो कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग से होने वाले हैं। जैसे कि आज अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपडेट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से इनका बेनिफिट हमको मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक बात और बता दूं, इन अपडेट्स का ज्यादा बेनिफिट यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएटर्स को मिलने वाला है। लॉन्ग वीडियो वाले को मिलेगा बट शॉर्ट्स क्रिएटर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स वालों के लिए ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। तो गाइस, जैसे कि आप अपनी वीडियो में बात करते हैं कि ये अपडेट्स कैसे कैसे काम करेंगे, इनका बेनिफिट हमको कैसे कैसे मिलने वाला है। बट उससे पहले यार, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार तो भाई क्या कर रहे हो, आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लाता रहता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि अब बात करते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की, मतलब कि पहला अपडेट हमारा क्या है और किस तरीके से हमको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पहला अपडेट भी शॉर्ट्स क्रिएटर्स वालों के लिए है। जैसे कि चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ, ये ले लिया हमने मोबाइल हाथ में। अब जैसे कि हमको क्या करना है, अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। अब आपको प्ले आइकन पर क्लिक करना है और क्रिएटर शॉर्ट पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको अगर पहले से आपने कोई शॉर्ट वीडियो बना करके रखेंगे और आप उसको अपलोड करते हैं, जैसे कि मैं एक यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ, इस तरीके से कुछ बन चुका हमारा शॉर्ट वीडियो और यहाँ पर हम राइट क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद अगर आप कुछ वीडियो पहले से अपलोड करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको साउंड की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब अगर आप अपनी वीडियो में साउंड अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये अपडेट है क्या। जैसे कि आपको पता ही होगा, शॉर्ट्स लाइब्रेरी जो होती है, मतलब ये आपको दिख रही होगी, शॉर्ट्स लाइब्रेरी जो होती है इसमें लिमिट सॉन्ग दिए जाते हैं, पहले भी और अब भी। बट अपडेट के बाद आपको यार इसका बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कि इसमें 10,000 सॉन्ग्स और ऐड कर दिए, मतलब क्या ज़्यादा सॉन्ग्स का लाभ उठा पाएंगे। तो इसलिए अपने यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लेना, आप ज़्यादा सॉन्ग्स का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ये पहला अपडेट था, आप ज़रूर से इसका लाभ उठाना। अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर्स हो और अपनी वीडियो में साउंड को ऐड करते हो तो यार आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कि 10,000 सॉन्ग्स और ऐड कर दिए। तो चलते हैं अपने दूसरे अपडेट की तरफ, मतलब हमारा दूसरा अपडेट क्या है। ये अपडेट जो है ना बहुत ही कमाल का, बहुत ही धांसू अपडेट है। जैसे कि इस अपडेट का इंतजार ना बहुत ही दिनों से हर यूट्यूबर बेसब्री से कर रहा था, मतलब ये अपडेट है क्या। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप जो भी आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो अपने चैनल पर, जब उस पर कोई कमेंट्स आती है, मतलब ऑडियंस की कमेंट्स आती है, तो यार आप उसका रिप्लाई टेक्स्ट मैसेज के द्वारा देते हो, मतलब कि उसमें टेक्स्ट मैसेज लिखते हो जब उसका रिप्लाई दे पाते हो। अब जो है अपडेट के बाद आप छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका रिप्लाई दे सकते हो। जैसे कि यार मैं आपको बता दूं, इसका बेनिफिट बहुत ही कमाल का है। जैसे कि कोई बंदा पूछ लेगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, अगर आप कुछ ज़्यादा टैक्स लिख देते हो तो उसमें बहुत वक्त जाया होता है। अब आपको क्या करना है, सीधा एक शॉर्ट, आपको जो शॉर्ट टैप मिल जाएगा राइट कॉर्नर पर, आपको उस पर क्लिक करना और छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना करके उसको रिप्लाई दे देना है। इसका बेनिफिट बहुत ही कमाल का है। अब जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, जैसे कि हम कर लेते हैं इसको ऑन। अब हमको सिंपल सा क्या करना है, अपने YouTube चैनल को YouTube को ओपन करना है। करने के बाद अपने चैनल पर जाना है, मतलब बैनर दिख रहा होगा साइड में, उस पर योर चैनल पर क्लिक करना और अपनी कोई सी वीडियो को देख लेना। जैसे कि हम ये वीडियो देखते हैं, इस पर क्लिक करना। वैसे अपनी वीडियो कोई देखता नहीं है, बहुत ही इल्लीगल होता है एक तरीके से। अपनी वीडियो को तुरंत पोस्ट कर देना, पोस्ट करने के बाद कमेंट पर जाना और कोई सी भी अच्छी कमेंट जो आपको लगे कि हाँ भाई उस बंदे ने कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मुझको उसका रिप्लाई देना है, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई देना है, तो कोई सी भी कमेंट्स को ले लेना कि आपको लगता है कि मैं टेक्स्ट के जरिए उसका कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप शॉर्ट वीडियो बना करके उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि हम एक कमेंट्स को लिख लेते हैं, ये वाली कमेंट्स को। अब इस पर रिप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रिप्लाई पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट के राइट में देखो आप शॉर्ट का एक छोटा सा लोगो दिख जाएगा, मतलब कि आप शॉर्ट वीडियो बना करके उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि हम क्लिक करते हैं इस पर, क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिख जाएगा, जैसे कि कुछ लोडिंग लेगा ये। अब देखो उसका जो क्वेश्चन है, किसी भी भाई, किसी की दोस्त वगैरह जिसका भी क्वेश्चन है, वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा और आप शॉर्ट वीडियो बना करके उसका आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो देखो यार, जो भी आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस पर कमेंट करती है तो उसको जवाब अच्छे से मिल जाता है, मतलब आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जब उसको जवाब देते हो, रिप्लाई देते हो, तो वो एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मुझको अच्छे से जवाब मिल चुका है, और आप भी सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ मैंने अच्छे से समझा दिया। तो ये तो हो गया ऑडियंस और क्रिएटर्स के बीच का बेनिफिट। अब इससे हमारे चैनल को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि यार देखो
आप जब भी कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो सभी ऑडियंस देखते हैं, ठीक है, बट इतना समय नहीं होता लॉन्ग वीडियो वाले के पास कि शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सके। बट अब क्या होगा, जो भी सवाल आएगा वो भी शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था, टेक्स्ट के माध्यम से जो भी आप रिप्लाई देते थे वो वही बंदा देख पाता था और कोई नहीं देख पाता था, मतलब किसी को भी जरूरत होगी तो वो नहीं देख पाता था। अब क्या है, जब भी आप शॉर्ट वीडियो किसी भी कमेंट्स के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाओगे तो उस कमेंट्स का जो भी आप रिप्लाई दे रहे हो अपनी शॉर्ट वीडियो में, वो हर एक ऑडियंस देख पाएगी। मतलब कि अगर उसको भी उसका सवाल का, मतलब जो कमेंट्स करा है उसका, अगर उसको कुछ यूज़ होगा तो वो भी अपने चैनल पर यूज़ कर पाएगा। तो यार इस तरीके का बेनिफिट था, मतलब आपका चैनल पर व्यूज़ अच्छी आएगी, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप अपना चैनल मोनेटाइज भी करा पाएंगे। जैसे कि देखो, आपका जो क्राइटेरिया होता है मोनेटाइज कराने का, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का होता है। बट शॉर्ट वीडियो बनाकर के आप मोनेटाइज करा सकते हो, जैसे कि वहाँ पर कुछ व्यूज़ का मोनेटाइज क्राइटेरिया होता है, वहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो बना करके उस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं और अपना चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं। तो गाइज यार बहुत बड़ी खुशखबरी है, मतलब ये अपडेट क्या ही बताऊँ। तो अब जो है हमारा तीसरा अपडेट के बारे में बात करते हैं, मतलब ये तीसरा अपडेट है, जैसे कि चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हमारी मोबाइल स्क्रीन को ऑन कर लेते हैं, अब हमको जाना है, अब यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और क्रिएटर शॉर्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से या तो वीडियो बना लेना या आपकी पहले से कोई वीडियो तो अपलोड कर लेना। जैसे कि हम यहाँ से एक आधा सेकंड की वीडियो को क्रिएट कर लेते हैं, ये हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से राइट पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब क्या अपडेट आया। जैसे कि हमको, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ जो कि इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर आपको जाना है, प्लस अगर पर क्लिक करना है और यहाँ से रील ले लेना है, और यहाँ से भी 2 या 3 सेकंड की हमको रील को कॉपी कर लेना है। मतलब कि बना लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सीधा सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से कुछ ऑप्शन आता है, यहाँ से भी नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने का अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है एडिट कवर का, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यार यहाँ से आप इंस्टाग्राम के अंदर अपनी रील्स पर एडिट कवर को कर सकते हैं, मतलब कि एक अच्छा मूवमेंट लगा सकते हैं, मतलब कैची थंबनेल लगा सकते हैं जिससे आपकी ऑडियंस कैच हो सके, मतलब आपकी शॉर्ट वीडियो को देख सके। जैसे कि यहाँ से देखो कुछ भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। अब यहीं यूट्यूब पर आप इस तरीके से पहले कुछ नहीं कर पाते थे, मतलब अपडेट के बाद आप, शायद आपके पास अपडेट आ चुका हो तो आप अब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, मैंने अपडेट कर लिया है, ये अपडेट आ चुका है। तो आप इस तरीके से कुछ भी कैची थंबनेल को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो यार इससे डेफिनेटली आपकी व्यूज़ गेन होने वाली है, मतलब कि जब ऑडियंस को एक अट्रैक्टिव थंबनेल मिलेगा, अट्रैक्टिव कैची थंबनेल मिलेगा, तो वो ऑडियंस खींच चली आएगी आपकी वीडियो के पास, वो जरूर क्लिक करेगी। तो गाइस जैसे कि ये 3 अपडेट्स कुछ इस तरीके से थे, मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। अगर आपको इन अपडेट्स का बेनिफिट लेना है तो अपने YouTube ऐप को अपडेट कर लेना याद से। और हाँ, मुझे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना कि आपको कौन सा अपडेट ज़्यादा बेटर लगा या आपको किस अपडेट्स का ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का बेटर कंटेंट की वीडियो आपको हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।